अपराधी, अफीम और आईएस अफसर पैदा करने वाला गाजीपुर हमेशा से पूर्वांचल में गैंगवॉर की धुरी रहा है। 80 और 90 के दशक में अपने चरम पर रहा ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का ऐतिहासिक गैंगवॉर यही गाजीपुर से शुरू हुआ था। गाजीपुर में उद्योग के नाम पर कुछ खास नहीं है, अफीम की खेती होती है और हॉकी खूब खेली जाती है। गाजीपुर का एक महत्वपूर्ण विरोधाभास यह भी है कि यहाँ पे गैंगवॉर के साथ साथ यहाँ पर कई लड़के आईएएस और आईपीएस अफसर भी बनते हैं। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव गाजीपुर से लेकर मऊ, बलिया, जौनपुर और बनारस तक है। सिर्फ 8 से 10 मुस्लिम आबादी वाले गाजीपुर में अंसारी परिवार हमेशा से हिंदू वोट बैंक के बल पर जीतता रहा है। आइए जानते हैं मुख्तार के जीवन से जुड़े 10 पन्नों के बारे में। पहला पन्ना, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी पूर्वांचल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए जाना जाता है। अच्छे मामलों की अगर बात करें तो यहाँ कई स्वतंत्रता सेनानी, संत, देश और बड़े नेताओं का उदय होता है। वहीं 1980 के दशक में जब सरकारी परियोजनाएं पूर्वांचल में आती हैं तो पूर्वांचल में वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो जाती है। 1980 के समय में जो माफिया राज गोरखपुर में हुआ करता था, समय के साथ वह वाराणसी और गाजीपुर शिफ्ट हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है मखनू सिंह, साहिब सिंह के गैंग के बीच सरकारी ठेकों को पाने को लेकर। लेकिन इन गैंग के कारण पूर्वांचल में दो ऐसे लोगों का वर्चस्व बढ़ता है। इन दोनों गैंग के बीच आए दिन गैंगवार जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं और पूर्वांचल के अखबार के पन्ने इन्हीं की खबरों से भरे रहते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की। 1980 के दशक में शुरू हुए वर्चस्व की लड़ाई आज भी दोनों बाहुबलियों के बीच जारी है। आज हम पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के बारे में बताने वाले हैं। दूसरा पन्ना, उत्तर प्रदेश के व नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े बाहुबली मुख्तार अंसारी का बाहुबली बनना कोई पारिवारिक मजबूरी नहीं बल्कि एक सोची समझी करियर मूव थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी बेहद नामी गिरामी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी 1920 के दशक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुख्तार अंसारी के नाना भारतीय फौज में ब्रिगेडियर थे। इन्हें सेना से कई बड़े सम्मान हासिल हुए हैं। मुख्तार के चाचा हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति रहे। मुख्तार के भाई सिबगतुल्ला अंसारी और अफजाल अंसारी पहले से ही राजनीति में थे। मुख्तार के पिता मऊ के बेहद इज्जतदार कम्युनिस्ट नेता थे। इनके सम्मान में आज तक कोई भी उनके खिलाफ चुनाव ही नहीं लड़ा। वहीं मुख्तार के बेटे भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कई मेडल भी जीत चुके हैं। तीसरा पन्ना, पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में मुख्तार अंसारी के कद का अब तक कोई माफिया नहीं हो सका। दरअसल गाजीपुर जिले के यूसुफपुर में जन्मे मुख्तार अंसारी बेहद रईस, इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पूर्वांचल में इनके नाम की तूती बोलती है। कुछ लोग इन्हें माफिया तो कुछ लोग इन्हें रॉबिनहुड मानते हैं। मुख्तार अंसारी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गाजीपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज व पीजी कॉलेज में की है। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी एक बेहतरीन क्रिकेटर थे। अगर मुख्तार अंसारी बाहुबली ना होते तो शायद बेहतरीन बॉलर के रूप में भारतीय टीम के लिए खेल रहे होते। मुख्तार अंसारी बचपन से ही निडर थे। आगे राजनीति में आने के लिए उन्होंने बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय का रुख किया। यहाँ से उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की। यही वह स्थान है जब छात्र राजनीति से वे यूपी की राजनीति में एंट्री करते हैं और मऊ से चुनाव लड़ते हैं। इस चुनाव में वह जीत हासिल करते हैं। चौथा पन्ना, पूर्वांचल के विकास के नाम पर 1970 के दशक में कई परियोजनाएँ पूर्वांचल आती हैं। इन सरकारी परियोजनाओं में वर्चस्व बनाने को लेकर दो गैंग की उत्पत्ति होती है। 1980 के दशक में गाजीपुर जिले के सैदपुर में एक प्लॉट को हासिल करने को लेकर साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का मखनू सिंह के गिरोह से जमकर झगड़ा होता है। यह वारदात कई हिंसक वारदातों की एक श्रृंखला से पनपा था, लेकिन यहीं से मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का नाम खुलकर सामने आता है। ब्रजेश सिंह ने यहाँ पूर्वांचल के ठेकों पर कब्जा जमाना शुरू किया। 1990 के दौरान जिन सरकारी ठेकों पर मुख्तार अंसारी का एक छत्र राज था, अब उसे चुनौती मिलने लगी थी। फिर क्या था, ब्रजेश और मुख्तार अंसारी के गैंग का आमना सामना यहीं से शुरू हुआ। यहीं से मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच दुश्मनी की शुरुआत होती है। पांचवा पन्ना, एक हत्या के मामले में साल 1988 में पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम सामने आता है, लेकिन पुलिस इस बाबत कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई और मुख्तार को सजा नहीं। छात्र राजनीति में अपने जीवन की शुरुआत करने वाले मुख्तार अंसारी के लिए 1980 का दशक बेहद खास रहा।
यहीं से मुख्तार अंसारी की राजनीति में एंट्री हुई और पूरे पूर्वांचल में एक नाम खुलकर सामने आता है, वह नाम था मुख्तार अंसारी। इस नाम की गूंज पूरे पूर्वांचल में होती है और मुख्तार अंसारी के नाम का सिक्का चल निकलता है। छठा पन्ना, साल 1995 का दौर, जब पहली बार मुख्यधारा की राजनीति में मुख्तार अंसारी की एंट्री होती है। साल 1996 में मुख्तार अंसारी को मऊ से विधायक चुना जाता है। इसके बाद सत्ता में आने के बाद अपने दुर्विरोधी व जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह के पीछे पहले यूपी में पूरी फोर्स को लगा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मुख्तार ने अपने गुर्गे भी ब्रजेश सिंह के पीछे हाथ धोकर लगा देते हैं। साल 2002 में आते आते दोनों ही गैंग्स का पूरे पूर्वांचल पर वर्चस्व हो जाता है। पूर्वांचल के सभी ठेके या तो इन दोनों माफियाओं को मिलते हैं या फिर जो भी इनके जानने वाले हैं वह इनके तहत काम करते हैं। इन ठेकों के कारण दोनों गैंग्स के बीच कई बार गोलीबारी भी सामने आती है। सातवां पन्ना, पूर्वांचल में एक सुबह सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक अखबारों में एक खबर आती है कि पूर्वांचल के माफिया ब्रजेश सिंह की मुख्तार अंसारी के साथ गैंगवार में मौत हुई। इसके बाद पूरे पूर्वांचल में एक ही माफिया बचा और वो था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी अब पूरे पूर्वांचल पर एक छत्र राज स्थापित कर लेते हैं। ब्रजेश सिंह के करीबियों को अब यह डर सताने लगता है कि शायद वे भी मारे जाएंगे, इस कारण वे अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद ब्रजेश सिंह के जिंदा होने की खबरें सामने आती हैं और दोनों गैंग्स के बीच एक बार फिर गैंगवार शुरू होता है। आठवां पन्ना, मुख्तार अंसारी की राजनीतिक शक्ति का जवाब ब्रजेश सिंह के पास नहीं था। इस दौरान गाजीपुर में एक और शख्स का बोलबाला था, इनका नाम था कृष्णानंद राय। कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार अंसारी के भाई को हराकर विधायक बनते हैं। कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह को कृष्णानंद राय का संरक्षण प्राप्त है। मुख्तार ने आरोप लगाया था कि कृष्णानंद राय अपनी ताकत के दम पर ब्रजेश सिंह को गाजीपुर के सरकारी ठेकों का काम दिलवा रहे हैं। कृष्णानंद राय की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि जेल रहते हुए उन्होंने कृष्णानंद राय की हत्या करवाई। नवा पन्ना, बता दें कि गाजीपुर जिले की उसरी चट्टी पर 6 हमलावरों द्वारा कृष्णानंद राय की कार पर AK-47 व अन्य कई खतरनाक हथियारों से हमला किया जाता है। उन पर तकरीबन 400 राउंड से अधिक गोलियां चलाई जाती हैं। इस घटना में 7 लोग मारे गए थे। इनके शरीर से तकरीबन 67 गोलियां बरामद हुई। कृष्णानंद राय की हत्या का सीधा आरोप मुख्तार अंसारी और उनके शूटर मुन्ना बजरंगी पर लगता है। इस घटना के जो भी चश्मदीद कभी कोर्ट में गवाही देने को तैयार थे कि मुख्तार के लोगों ने ही कृष्णानंद राय की हत्या की, उनकी भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। वहीं एक चश्मदीद कोर्ट में याचिका दायर कर केस को वापस ले लेता है। बता दें कि कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप अब तक साबित नहीं हो सका है। दसवां पन्ना, पूर्वांचल के क्षेत्र में लगभग हर बाहुबली एक मसीहा के तौर पर भी जाना जाता है। मुख्तार अंसारी को चाहने वाले उन्हें मसीहा के तौर पर मानते हैं। कहते हैं कि मऊ और गाजीपुर के क्षेत्रों में मुख्तार अंसारी द्वारा कई काम करवाए गए हैं। मुख्तार अंसारी बतौर विधायक अपनी निधि का 30% निजी और सार्वजनिक स्कूलों एवं कॉलेजों पर खर्च करते हैं। कई बार वे लोगों की पढ़ाई, इलाज और शादी के लिए भी मदद करते हैं। इस कारण बड़ी संख्या में लोग मुख्तार अंसारी को ही मसीहा मानते हैं। साल 2005 में मऊ दंगों में नाम आने के बाद उन पर कई आरोप लगे। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और तब से वह जेल में बंद है। लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार अंसारी द्वारा अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया गया। वे जेल में रहते हुए विधायक भी बनते, साथ ही अगर समाजवादी पार्टी दो भागों में बटी तो इसका कारण मुख्तार अंसारी ही है, क्योंकि शिवपाल यादव मुख्तार अंसारी को सपा में लाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव इसके खिलाफ थे, लिहाजा पार्टी का विभाजन हो गया।